हेलो एवरीवन, तो कल हम लोग ये द रिवॉल्ट ऑफ 1857 के कुछ पॉइंट्स देखे थे, ओके? और उसमें जो इम्पोर्टेंट था कि वो रिवॉल्ट क्यों हुआ था, वो सब पढ़ चुके हैं। और अभी जो है हम लोग लास्ट सप्रेशन ऑफ द रिवॉल्ट, यानी कि रिवॉल्ट सप्रेस किस तरह से किया गया डिफरेंट रीज़न में, तो ये देखना है, ओके? तो देखिए, बहादुर शाह दो जो था वो तो दिल्ली का मींस दिल्ली का किंग था, बट वो जो था वो डीजीओर था, मतलब नॉमिनल हेड था। दिल्ली का जो नॉमिनल हेड था वो था बहादुर शाह दो। तो क्योंकि वो ऑक्टाजिनेरियन था, मतलब 81 साल का था, 80 से प्लस, तो वो उतना मतलब कैपेबल रूलर नहीं था। मतलब जैसे भगत सिंह हुए, या फिर महात्मा गांधी हुए, या सुभाष चंद्र बोस हुए, वो सब जो था वो फाइट करने के लिए कुछ भी कर सकते थे, मतलब फाइट करते थे। बट ऐसा नहीं था, ये जो थे बहादुर शाह दो वो बहुत मीक दब्बू किस्म थे, दब्बू टाइप के थे। मीन्स वो लड़ाई झगड़ा करना नहीं चाहते थे, ओके? तो इसीलिए कुछ ये जो रिवॉल्ट था 1857 का, बहादुर शाह टू को तो वो हेड मान लिया गया था, लेकिन वो बस नॉमिनल हेड था, तो वो कमज़ोर पड़ गया 1857 का रिवॉल्ट। कुछ मेन अच्छे लीडर्स ना होने की वजह से कमज़ोर पड़ गया था, ओके? तो बहादुर शाह दो को जो है वो रंगून भेज दिया गया, वाज डिपोर्टेड टू रंगून वेयर ही डाइड इन 1862, ओके? और फिर उसका बेटा भी था, वो भी दिल्ली में मारा गया था, बहादुर शाह दो का बेटा। तो बहादुर शाह दो 1862 में रंगून में मारा गया, ठीक है? और आगे पढ़ते हैं, इतना तो कल भी देखे थे। और ये इम्पॉर्टेंट है कि दिल्ली को कैप्चर किया गया था 20 सितंबर 1857 को जॉन निकोलसन के द्वारा। अब दिल्ली तो कैप्चर हो गया 20 सितंबर जॉन निकोलसन के द्वारा। अब आगे देखते हैं डिफरेंट टेरिटोरी, डिफरेंट रीजन कैसे कैप्चर हुआ था। झांसी को कैप्चर किया गया था 17 जून 1858 को, झांसी को कैप्चर किया गया 17 जून 1858 को। और झांसी की जो रूलर थी रानी लक्ष्मीबाई, वो भी मारी गई थी बैटलफील्ड में, ठीक है? फिर उसके बाद आता है लखनऊ, लखनऊ को भी कैप्चर किया गया 21 मार्च 1858 को। लखनऊ जो कैप्चर किया गया था वो कॉलिन कैंपबेल, हैबलॉक और आउटराम, ये तीनों मेन ब्रिटिश लीडर थे जो कि ये लखनऊ को कैप्चर करने के लिए रेस्पॉन्सिबल थे। और झांसी को जो कैप्चर किया गया था वो ह्यूग बोस ने कैप्चर किया था, ओके? तो ये इम्पॉर्टेंट है नेम, झांसी को किसने कैप्चर किया? ह्यूग बोस। तो इस तरह से आता है कि झांसी को वॉज कैप्चर्ड बाय ह्यूग बोस और कॉलिन कैंपबेल, हैबलॉक, आउटराम। तो झांसी को ह्यूग बोस कैप्चर किया था, लखनऊ को कॉलिन कैंपबेल, हैबलॉक और आउटराम कैप्चर किया। और फिर जो नाना साहेब थे कानपुर में, और नाना साहेब और हजरत महल, ये दोनों नेपाल की ओर भाग जाते हैं। फिर विलियम टेलर और ये एडर, विलियम टेलर एंड एजर पढ़ेंगे, ओके? विलियम टेलर एंड एजर जो है वो आरा बिहार में रिवॉल्ट को सप्रेस किए थे, विलियम टेलर और एजर। और तांतिया टोपे जो था वो अपने एक फ्रेंड के द्वारा उसे धोखा मिला था, जिसके कारण कि वो कैप्चर हो गया तांतिया टोपे, और 15 अप्रैल 1859 को तांतिया टोपे को मार दिया गया था। तो इम्पॉर्टेंट डेट है, 15 अप्रैल 1855 को तांतिया टोपे को मार दिया गया था। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1857 के रिवॉल्ट के टाइम में किसे अपने फ्रेंड के द्वारा बिट्रेड किया गया, तो वो था तांतिया टोपे, ठीक है?
तो टाट्या टोपे जो है 1859, रिवॉल्ट 1857 में हुआ था और उसके 2 साल के बाद तात्या टोपे को एग्जीक्यूट किया गया था। तो इम्पॉर्टेंट है तात्या टोपे एटलीस्ट कम से कम 2 साल तक तो सर्वाइव कर पाए, और कोई लीडर जैसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई या फिर बहादुर साधो और सब तो सर्वाइव ही नहीं कर पाए 1857 और 1858 में ही चले गए, बट तात्या टोपे कुछ ज़्यादा दिन तक बच पाए। ओके, 15 अप्रैल 1859 को एग्जीक्यूट किया गया तात्या टोपे को। अब देखिए ये रानी लक्ष्मीबाई की कुछ स्टोरी है। तो रानी लक्ष्मीबाई का जो निकनेम था वो मनु था, और मनु मणिकर्णिका भी बोला जाता है रानी लक्ष्मीबाई को। रानी लक्ष्मीबाई के हस्बैंड राजा गंगाधर राव 1842 में रानी लक्ष्मीबाई की शादी हुई थी। द कपल एडॉप्ट किए थे चाइल्ड को 1853 में, एडॉप्ट किए चाइल्ड को। ओके, बट लॉर्ड डलहौजी अब एनेक्स करना चाहे झांसी को अंदर द डॉक्ट्रिन ऑफ स्लैब्स। रानी डिड नॉट सरेंडर एंड डाइड फाइटिंग एट कल्पी, कल्पी में मारी गई। इंपॉर्टेंट प्लेस है कल्पी नियर झांसी ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो देखिए ये मतलब एक बात बताना है, जैसे चाइल्ड को 1853 में अडॉप्ट किया गया और जो रिवॉल्ट हुआ झांसी की रानी के साथ वो हुआ 1857 में। तो सोचिए ना चाइल्ड कितना बड़ा हो गया होगा 1853 से 1857, 4 ईयर्स का बड़ा था चाइल्ड। और 4 ईयर्स झांसी की रानी अपने बैक पे लेके, बच्चे को बैक पे लेके लड़ाई की थी, कितना भारी होगा बच्चा और फिर लड़ाई की थी। तो ये भी बहुत ब्रेवरी वाली बात है। ओके, तो ये बात है, ठीक है। अब नेक्स्ट, हाँ ये बुक्स के बारे में, ये कुछ इम्पॉर्टेंट बुक्स है जो 1857 के रिवॉल्ट के टाइम में लिखा गया था, मतलब उसके लिए लिखा गया था, मे बी लेट भी लिखी गई लेकिन उसके लिए 1857 के टाइम में। जैसे 18 बुक है 1857, वो एस एन सेन के द्वारा लिखी गई। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बी डी सावरकर, ये 1909 में लिखी गई। द सिपॉय म्यूटनी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857, सिपॉय म्यूटनी रिवॉल्ट ऑफ 1857 आर सी मजूमदार फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई। फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कार्ल मार्क्स, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लिखी गई है बी डी सावरकर के द्वारा, और यही इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस सुना रहे, फर्स्ट इंडियन वॉर, फर्स्ट लग गया तो फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई है। अब देखते हैं आगे क्या है। देखिए ये जो है ना, ये है इम्पॉर्टेंट ओपिनियन है 1857 के बारे में, कुछ लीडर्स क्या बताया करते थे, ये लीडर किस, ये जो रिवॉल्ट था ये किस तरह का था, उसका नेचर ओपिनियन बताया गया है कुछ लीडर्स के द्वारा। ये भी पूछा जाता है कि ये किसने बताया है। नेशनल, ये जो है नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये बताया गया है बेंजामिन डिजराइल के द्वारा, कार्ल मार्क्स, बी डी सावरकर, के एम पनीकर, ईश्वर प्रसाद, ए एल श्रीवास्तव और ताराचंद। इम्पॉर्टेंट नेम है नेशनल स्ट्रगल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा गया 1857 रिवॉल्ट को किसके द्वारा, बेंजामिन डिजराइल, कार्ल मार्क्स, बी डी सावरकर, के एम पनीकर, ईश्वरी प्रसाद, ए एल श्रीवास्तव, ताराचंद। ओके, और रेशियल स्ट्रगल कहा गया है, रेशियल स्ट्रगल मतलब क्या, ब्लैक एंड वाइट, गोरे और काले के बीच का स्ट्रगल कहा गया है, मेडली ने कहा था। ओके, रिलीजियस स्ट्रगल, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई, ये कहा गया है रीज के द्वारा। और सिविलियन बार्बरिज्म कॉन्फ्लिक्ट कहा गया है, यानी कि इंग्लिश और इंडियन के बीच कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, ये कहा गया है सिविलाइजेशन इंग्लिश और बार्बरिज्म इंडियन एक तरह से मान लीजिए, और ये कहा गया है टी आर होम्स के द्वारा। हिंदू मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी था 1857 का रिवॉल्ट क्रिश्चियन के अगेंस्ट, ये कहा गया है आउट्राम एंड टेलर के द्वारा कहा गया। ओके, हिंदू मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी, आउटराम टेलर, सिविलाइजेशन बार्बरिज्म कॉन्फ्लिक्ट, टी आर होम्स,
रिलीजियस स्ट्रगल था हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन का, ये इसके द्वारा रेशियल स्ट्रगल मेडली, और ये नेशनल स्ट्रगल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इतने सारे लोगों ने कहा, बेंजामिन डिजराइल, कार्ल मार्क्स, बी डी सावरकर, के एम पनीकर, ईश्वरी प्रसाद, ए एल श्रीवास्तव, ताराचंद। अब ये टॉपिक कंप्लीट होता है फाइनली, और थैंक यू सो मच। आई होप यू लाइक दिस वीडियो।